बाबा सारी चीजें मत रखो, कुछ यहीं छोड़नी है। क्यों? किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हाँ। ये किताब यहीं रहने दो और ये शर्ट भी निकाल दो प्लीज। पता है तुम इस शर्ट में बहुत अच्छे लगते हो। अपना सामान पैक किया तुमने? नहीं, अगर मैंने अपना सामान पैक कर लिया ना तो सबको पता चल जाएगा, और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मुझे ऐसे ही चलना पड़ेगा बिना किसी सामान के। नहीं ठीक है, तुम्हारा सामान हम बॉम्बे से ले लेंगे। हम बॉम्बे जा रहे हैं? हाँ। तुमने पहले नहीं बताया? समय कहाँ मिला? जब से तुम्हें सारी बातें पता चली हैं तब से मैं निकलने के चक्कर में ही हूँ। क्या हुआ? पता है हर लड़की का एक सपना होता है कि वो प्यार करे और फिर उसकी शादी हो, और मुझे नहीं पता था कि मुझे इस तरह से अपना घर और अपने घर वालों को छोड़ के जाना पड़ेगा। नहीं, अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो। मैं जब वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा तब वापस आ जाऊंगा ना। मतलब नहीं नहीं, मुझे पता है तुम कभी वापस लौट के नहीं आओगे। तुम अब भी मुझ पर विश्वास नहीं करती हो? मैंने सब कुछ तो बता दिया तुझे, एक एक बात। आशीष, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, पर अब सब कुछ जान लेने के बाद मुझे पता है तुम्हारा वापस आना बहुत मुश्किल है। मैं चल रही हूँ ना तुम्हारे साथ। वो क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। माँ तुम समझती क्यों? वो टेररिस्ट है सुषमा। जी है, फिर भी मैं उसे प्यार करती हूँ। वो खूनी भी है। जी है, मैं तब भी उससे ही प्यार करती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? जी हो गई होंगी, क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ। हो सकता है कल को पुलिस उसे मार दे, या फिर उसका कोई अपना साथी उसकी जान ले ले। तुम्हें इसका डर नहीं लगता? लगता है, पर मैं उसके बिना नहीं रह सकती। माँ मैं उसे प्यार करती हूँ। सुषमा, जब वो औरों को मार सकता है तो हो सकता है कि किसी दिन अपनी जान बचाने के लिए वो तुम्हें भी मार दे। माँ वो ऐसा कभी नहीं करेगा। सरकार ने उसे इस वादे पर छोड़ा था कि वो बाहर निकलते ही अपनी पार्टी और साथियों का साथ छोड़ देगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं मान लेती हूँ वो तुमसे प्यार करता है, अगर वो पुलिस के पास जाकर सब कुछ सच सच बता दे। और मेरा ख्याल है अगर तुम उससे कहोगे ऐसा करने के लिए तो वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ ना बेटी? नहीं माँ। तो टेररिस्ट साहब, कौन है आपकी कहानी का हीरो? आप खुद? कहानीकार हमेशा अपनी कहानी लिखता है, इसलिए वो कहानी का कभी हीरो होता है तो कभी विलेन। आई हेट यू आशीष। नो यू डोंट। क्यों? वरना तुम उससे बात नहीं करती। गंदे लोग बातें अच्छी कर लेते हैं। तुम्हारी पिस्तौल कहाँ है? वो क्या है ना कि मेरे अलावा हर किसी ने देख लिया वो। ये तो खाली है। तुम मुझे मारना चाहती थी? क्यों? क्योंकि सुषमा तुम्हारे साथ मुसीबतें ही उठाएगी। वो मुझसे प्यार करती है, अगर मैं मर जाऊं ना तो वो भी अपनी जान दे देगी। चलो कुछ दिनों बाद उसे आदत भी पड़ जाएगी,
यही दीदी के साथ हुआ था और यही लोलो के साथ भी हुआ था। लेकिन सुषमा तकलीफें नहीं उठाएगी, मैं उससे प्यार करता हूं। तुम कभी भी मर सकते हो आशीष। गन लेकर घूमने वाले लोग या तो खुद मारे जाते हैं या फिर दूसरों को मार देते हैं। माँ को तुम्हारे बारे में सब पता चल गया और उन्होंने कहा है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो वो शादी के लिए तैयार है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तुम्हें कैसे पता चला? जिंदगी में हर चीज के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। इसी बात का डर था मुझे। क्यों? डर क्यों? क्योंकि अगर मैंने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया तो वो मुझे खींच के जेल में डाल देंगे। ऐसे में तुम्हें शादी का ख्याल तो छोड़ ही देना चाहिए। वैसे भी एक आतंकवादी की शादी में पुलिस कोई दिलचस्पी नहीं रखती। मैं फिर भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। पुलिस तुम्हें कभी ना कभी तो छोड़ेगी ना। क्यों, तुम्हें नहीं लगता मैं तुम्हारा इंतजार कर पाऊंगी? ऐसी बात नहीं है, एक बार मैं जेल चला गया तो मेरा वहां से जिंदा लौटना मुश्किल है। आशीष प्लीज ऐसी बातें नहीं करो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, पहले हम शादी करते हैं फिर बाद में तुम सरेंडर करना। पर तुमने तो अपनी माँ से वादा किया है ना कि जब तक मैं सरेंडर नहीं करूंगा तुम शादी नहीं करोगी मुझसे। माँ से जो कहना है वो मैं कह दूंगी, अभी तो चलो ना। कहाँ चलो? मंदिर। कोई हमारी बात नहीं समझता? अगर माँ भी नहीं समझती तो कम से कम मेरा भगवान तो हमें समझेगा। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? आशीष, प्यार करने के लिए कोई कारण का होना जरूरी नहीं है। अगर तुम दोनों को शादी करनी है तो प्लीज जल्दी कर लो क्योंकि पुजारी दोपहर में खाना करने के लिए घर चला जाएगा। चलो भाई, कोई तो हमारी शादी से सहमत है। चलो चलो चलो। आओ। हाँ वो यहाँ है। यस इंस्पेक्टर, मेरे पास पक्के सबूत है कि वो यहाँ गगनपुर को आतंकवाद का अड्डा बनाना चाहता है। आप कब आ रहे हैं? आप जल्दी आइए इससे पहले कि वो यहाँ कुछ कर दे। आप आके उसे मार डालिए। मैं उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। आप जल्दी आइए इंस्पेक्टर। मेरा फ्यूचर है और मुझे जानना चाहिए मेरा फ्यूचर क्या है। तो ठीक है, जल्द ही तुम्हारे लाइफ में एक लड़का आने वाला है। अ वंडरफुल बॉय बट अ स्ट्रेंजर, एक अजनबी। तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगोगे और फिर एक दिन उस अजनबी लड़के को यहां से जाना पड़ेगा और फिर वो वापस लौट के कभी नहीं आएगा।
घर में मक्खन है? हाँ है। और वो काली मिर्च? हाँ क्यों? मेक्सिको में जले हुए चावल में मक्खन और काली मिर्च मिलाकर एक मजेदार डिश बनती है, सो लेट्स ट्राई दैट। क्यों चला जाएगा एक दिन अचानक और वापस क्यों नहीं आएगा? ये बताने के लिए मुझे तो लड़के का हाथ देखना पड़ेगा भाई। कौन होगा वो लड़का? तुम देखोगी तो खुद ही पहचान लोगी। पिस्टल? आशीष, एक राइटर को पिस्टल की क्या जरूरत हो सकती है? कमाल करती हो, मैं एक राइटर हूँ, कई बार अनजानी जगहों में जाना पड़ता है मुझे। देखो मैं सीधे सीधे तुम्हारे सामने शादी का प्रस्ताव रखता हूँ, मुझसे शादी करोगे? तुम्हारे हाथों से किताबें गिरी, मुझे उठानी पड़ी, अब तुमने ग्लास तोड़ दिया, उसके टुकड़े भी मैं ही समेट रहा हूं। और फिर वो वापस लौट के कभी नहीं आए। ऐसे क्या देख रहे हो आशीष? तुम्हें देख रहा हूं, पता नहीं कल जिंदा वापस होंगे ना। आशीष प्लीज, आई लव यू आशीष। आई लव यू टू। हेलो, हाँ डॉक्टर अंकल, क्या माँ की तबीयत ठीक नहीं है? अच्छा, कोई चिंता की बात नहीं है। अच्छा हाँ, मैं जानती हूँ अंकल कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आपने उन्हें सुला दिया है, पर कैसे? अच्छा, नींद की गोलियाँ देकर? पर डॉक्टर अंकल, आप उन नींद की गोलियों को माँ से दूर ही रखिए, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होती है। सुषमा, आशीष कहाँ है? सुषमा, आशीष को पुलिस लेने आई है, सुप्रिया उन्हें लेकर आई थी। इसका मतलब आशीष ठीक कह रहा था। क्या मतलब? प्यारी सुषमा, जब मैं ये खत लिख रहा था तब तुम सो रही थी, ये खत मिलने तक मैं जा चुका हूं,
मैं तुम्हारी माँ को दिया हुआ अपना वचन नहीं निभा पाया, क्योंकि मेरे पुलिस के आत्मसमर्पण से दो लोगों की मौत निश्चित है, उन्हीं उग्रवादियों द्वारा जिनके लिए मुझे ना चाहते हुए भी काम करना पड़ा। एक तो मेरी माँ, जिनको उन लोगों ने जबरन अपने कब्जे में रखा हुआ है, और दूसरा तुम्हें, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। और कोई भी जिसका मुझसे कोई भी रिश्ता है, उनका जिंदा रहना मुश्किल है। मैं समझता हूं कि जिंदगी में अपने प्यारों को खोने से अच्छा है कि मैं ऐसा वादा ना रखूं। मेरे चले जाने से यह मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ आगे क्या होगा, मगर मैं उम्मीद में जीऊंगा, क्योंकि कल एक नया दिन होगा। आशीष जिंदा है, मेरे लिए यही बहुत है। चला गया तो जाना ही था।